समुद्र की दुनिया में कई रहस्य छुपे हुए हैं। धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। महासागर में ऐसे कई रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर लोग खौफ खाते हैं। समुद्र पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने समुद्र में कई ऐसी जगहों की खोज की है जो बेहद रहस्यमयी हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यमयी जगहों के बारे में। अमेरिकी पुरातत्वों का एक समूह 1980 के दशक में अंतरिक्ष से ली गई कुछ तस्वीरों की जांच कर रहा था तो पता चला कि मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की भी फोटो है। युकाटन के करीब ही समुद्र के अंदर एक गोलाकार जगह थी। युकेटन पेनिनसुला में जमीन के टुकड़े के एक दूसरे से टक्कर होने के बाद ये दर्रे बने हैं। बताया जाता है कि कभी माया सभ्यता के दौरान इंसानों की बलि देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। समुद्र के अंदर खोजी गई जगहों में सी चेंग बेहद अनोखी जगह है। कहा जाता है कि यहाँ द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहर समुद्र के अंदर हैं। ये सच्चाई है कि ये शहर 1300 सालों पहले समुद्र के ऊपर था, फिर बाद में समुद्र के अंदर डूब गया। इस पौराणिक शहर के अवशेषों को 1959 में ढूंढा गया था। चीन के तरह जापान में समुद्र के अंदर एक पिरामिड जैसी आकृति है। बताया जाता है कि ये स्ट्रक्चर 10,000 साल पुराना है। इतिहासकारों के मुताबिक जोमोन लोगों ने इसे बनाया था। इसके बाद अगला नंबर है सिल्फ्रा फिसर का। इस जगह की खोज आइसलैंड के बीच हुई थी। अगर आप देखें तो सामान्य समुद्री डाइव साइट की तरह लगता है। दुनिया में ये पहली जगह है जहां पर दो महाद्वीपियों के बीच तैरा जा सकता है। दो कॉन्टिनेंट्स की सीमा रेखा है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि हर साल 2 सेंटीमीटर ये बढ़ जाती है। अतलिम याम ये इसराइल का एक अंडरवाटर गांव है। बताया जाता है कि ये लगभग 9000 साल पुराना है जो 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। माना जाता है कि आइस एज के अंत में पानी का स्तर बढ़ने से ये गांव डूब गया। स्टडीज के मुताबिक एक ज्वालामुखी फटने से ये गांव डूबा था। ब्रिंसल आइस फिंगर ऑफ डेथ। ब्रिंकल्स को आमतौर पर आइस फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। समुद्र तल से इस प्राकृतिक घटना को देखा जा सकता है क्योंकि समुद्र तल में ठंडे पानी के दबाव और नमक के कारण एक भंवर की तरह आकृति बनती है। समुद्र के अंदर तेज गति से घूमती हुई बर्फ होती है। इसे कैमरे में कैद करना बेहद मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।